इंतजार था। बहुत वर्ष बीत गए, शताब्दियां गुजर गई, जहां लाखों आदमी, स्त्रियां तक, महात्मा तक नागे बार बार दो दो तीन तीन लाख युवकों ने युद्ध किए हैं उस मंदिर की रक्षा के लिए। 10-15 लाख आदमियों ने अपने प्राण गवाए हैं हिंदू और मुसलमानों ने। वहां शायद अब समय आ गया है कि वहां शुरुआत होगी और ज्यादा दूर नहीं वो वक्त। आप देख लेना, आप सबके सामने श्री राम मंदिर की स्थापना होने का वक्त और कुछ ही वर्षों में आ गया है और ये कार्य आप सबके सामने ही होगा। आप देखते चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी व्यर्थ ही बात नहीं बोलते और व्यर्थ ही शब्द का प्रयोग नहीं करते और व्यर्थ ही कोई कारण, जब उस ये धजाएं नहीं आती व्यर्थ, जब जब जहां जहां उसका आदेश आता है वहां भेज दिया जाता है। एक व्यक्ति ने हमें बोला कि केवल मुझे पता नहीं है धजा कहां से आएगी, बाकी सबको पता है। हम हल्के से मुस्कुराए और विचार किया कि अभी तो किसी को भी पता नहीं है सिवाय उसके जो आदेश देने वाला है। जब अब तक मुझे ही आदेश नहीं आया है तो आपको कैसे पता चलेगा। हम मुस्कुराए और बोले कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा गहरा खेल है, गहराई तक चले जाते हैं हम सोचते सोचते, शब्द को पकड़ते पकड़ते तह तक चले जाते हैं। तो जब जब उसका आदेश होता है तभी हम बोलते हैं। तो आज हमने ये जो शब्द का प्रयोग किया है, हम इसके जिम्मेवार हैं और जवाबदार भी हैं। प्रभाव देखोगे और आप भजन की शुरुआत कीजिए, ध्यान की शुरुआत कीजिए, उस अनंत के नाम की शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमने स्वयं की खोज नहीं की, तब तक कितने भी मंदिर बन जाएं, कितने भी मस्जिद बन जाएं, कितने भी शिवालय खड़े हो जाएं, प्राप्ति नहीं होगी।